हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको आवाज़ हमारी क्लियर लगे और हम अच्छी तरह वीडियो बना सकें। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेरा गला बहुत ख़राब था, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो आज हम जो है थोड़ा कोशिश करेंगे कि जो भी हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वो आपको अच्छे से क्लियर सुनाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आटा और ओट्स की मठरी बनाना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हम हाफ कटोरी ओट्स लेंगे। ये हमारे पास है कुकर का ओट्स, हम ये यूज़ करते हैं। और हमारे पास ही आटा है, हम मैदा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ वाइज, टेस्ट वाइज सब अच्छा होता है अगर हम आटा और ये सब चीज़ें अच्छे से यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें फिर हाफ कटोरी ऑयल चाहिए। तो हमने ऑयल अपना ये यूज़ किया है, हमें ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ किया, हमने ये पसंद है। आपको जो भी डालना है, घी डाल सकते हैं उसमें, मोयन में ऑयल डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और हमें हाफ कटोरी शुगर चाहिए। ये हमें एक चम्मच अजवाइन चाहिए और हाफ स्पून ही साल्ट चाहिए। तो चलिए एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं इसको। ये हमें हाफ कटोरी ओट्स, वन कटोरी आटा और हाफ कटोरी ऑयल, घी जो भी आप यूज़ करना चाहें, और ये हाफ कटोरी शुगर और वन स्पून चाहिए मुझे अजवाइन, हाफ स्पून साल्ट। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक बाउल में, और अच्छे से ये ऐसा हमें डो बना लेना है। तो जब हम इस तरह का डो बना लेते हैं तो हमें अच्छी तरह से ये, हमको इस तरह की रोटी एक बेल लेनी है। तो ये हमें ऐसे एक रोटी बेल लेनी है। और उसके बाद हम, ये कटोरी है हमारे पास एक, तो हमारी ये जो कटोरी है उसको हम ऐसे दबा के अच्छे से, इसमें हम ऐसे छोटी छोटी सी पूड़ियों जैसा इसको कट कर लेंगे, इस तरह से ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा, ये नाइफ है, फिर नाइफ से ऐसे ऐसे कट लगा देंगे हल्का हल्का सा, जिससे ये तलने में फूलेगी नहीं और ये वो अच्छी सिकेगी, तलेगी। तो देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये ऐसे निकाल के थोड़े से पहले से बना लिए। और अभी ये हमारा जो ऑयल है हमने इसमें डाल दिया है, तो ये ऑयल तो हमारा गर्म हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम एक एक ये उठा के इनको इसमें डालते जाएंगे। इसको भी कट कर देते हैं थोड़ा बीच बीच। ये देखिए हम इसको ऐसे डालते जाएंगे और ये फ्राई होंगे। इसको हमें मीडियम आँच, पहले तेल अच्छे से गरम करके हमें इसको मीडियम आँच में कर लेना है। मीडियम आँच में ही तले जाएंगे, अच्छी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था लड्डू का, उससे मेरा गला बहुत ख़राब था, आवाज़ क्लियर बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस बार कोशिश की है कि आपको जो भी हम बोले बताएं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए हेल्दी खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ों का क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीपी है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ा है किसी का, बीपी है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप लोग ये ऑयल यूज़ करिए घी की बजाय। और भी रिफाइंड ऑयल भी अच्छा नहीं होता है हेल्थ वाइज। और आप मैदे की जगह आटा ही यूज़ करिए, जो भी कुछ बनाते हैं ओट्स डालिए, मिक्स रोटी बनाते हैं उसमें भी आप ओट्स और बेसन वगैरह मिक्स करके अच्छे से बना सकते हैं रोटियों को। खाली गेहूं की रोटियां भी अच्छी नहीं होती है खाना। इस तरह से ये हमें सारे फ्राई कर लेने हैं।
बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन। इसी तरह सारी जितनी भी हैं सारी तल ली जाएंगी। लीजिए ये मठरी तैयार है। अब आप इसको विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी के साथ लीजिए या दूध के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसको खा सकते हैं। बनाइए, एंजॉय कीजिए, खाइए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।